नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। रामनगर प्रखंड के सोहसा पंचायत के सोहसा गांव में कोरोना महामारी को लेकर सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया, इसलिए बच्चों को पढ़ाई खत्म हो चुका है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि इम्तियाज खान ने बताया कि हमारे पंचायत में गरीबों का फसल बर्बाद हो गया, यहां तक कि पंचायत के किसानों का बुरा हाल हो चुका है, इसलिए गरीबों को मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए। और लॉकडाउन प्लस किसान और ठंडी के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले हम सोहसा पंचायत के मुखिया पति हैं, मेरा नाम इम्तियाज खान हुआ। सबसे पहले ये कोरोना जो है इतना ना प्रभावित बच्चों लोग कर दिया है कि बच्चा लोग का शिक्षा समझिए कि डूब ही गया है। जो होशियार व्यक्ति है वो तो पढ़ ले रहा है अपने जैसे भी माध्यम से, ऑनलाइन कैसे भी, लेकिन जो बच्चा लोग है वो समझिए कि उसका शिक्षा एकदम चौपट हो गया, वो बर्बाद है। उसका क्या होगा भविष्य, यह भगवान जाने, ईश्वर जाने। अभी कोरोना जो है ये ठंडी में जुलूम मचाया हुआ है। कोरोना से हम लोग के पंचायत में बहुत से लोग कोरोना के चलते जनजीवन एकदम साफ अस्त व्यस्त है। कोई कहीं आ नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। किसान का क्या स्थिति है? किसान का स्थिति तो इतना बुरा है कि सब टोटल सभी ठंडी से, शीतलहर से टोटल गेहूं बर्बाद है। सब पीले धारी आ गई है उस पर। आलू सब खत्म हो गया, प्याज खत्म हो गया, जो फसल है वो सब चौपट मार गया है। किसान इस वक्त बेहाल घूम रहा है। गन्ने की क्या स्थिति है यहाँ? गन्ना उसी तरह, गन्ना कहीं सूख रहा है ठंडी से लेकर, सब सूख रहा है। मिल पूर्जी नहीं दे रही है, लोग गन्ना नहीं गिर रहा है। किसान बहुत दुर्दशा है इस वक्त। हम का कहें आपसे कि किसान का क्या गति है ये ठंडी के लेकर, सब फसल बर्बाद है। हाँ, हम सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल जो चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है, इसमें कोई गरीब कहीं जान नहीं आ रहा है, खाने पर मोहताज है। सबके गरीबों के खाते में सरकार पैसा डाले कि इस तरह उसका बाल बच्चा कम से कम नून चोखा तो खाए। कहीं कोई जाने जाता नहीं है, आता नहीं है, तो कैसे, कहां से कमाएगा, कहां से खाएगा? यहां पर हम लोग के देहात में तो काम है नहीं, ठंडा का मौसम है, तो गरीबों के खाता में सरकार की किसी तरह जो अनुदान राशि सरकार देती है उस किसी तरह डाले कि गरीबों का पेट चले। और किसान का स्थिति भी बहुत ख़राब है। फसलें का मसूर ख़त्म हो गया, अब समझ लीजिए गेहूं ख़त्म हो गया, अब समझ लीजिए आलू ख़त्म हो गया, प्याज ऊख का वही स्थिति है। सब कपार पर हाथ फिर ठेठा रहा है किसान की, अब हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, इसमें सरकार। आज छप्पन लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआ में रेलवे स्टेशन के समीप मुख्य मार्ग पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने लालकुआ नगर के मुख्य बाजार में लोगों से जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान जगह जगह पर फूलमालाओं से हरीश रावत का स्वागत किया गया, साथ ही कई जगह पर हरीश रावत पर व्यापारियों ने फूल बरसाते हुए उनका स्वागत किया। हरीश रावत ने कहा कि लोगों की जन भावनाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा, साथ ही लालकुआ की देवतुल्य जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है कि विकास को लेकर उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करने की अपील की। इस दौरान
कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ मिलकर चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। हो गया जैसा लोग कह रहे हैं तो हो गया, तो फिर तो सरकारी आपके द्वार होगी, लालकुआ के द्वार होगी, तो फिर आपको कहे के लिए चिंता का मामला था। आप पैदा हुई भाजपा कर, ये तो अंग्रेजों की गोद में पैदा हुई आर्य जनसंघ के रूप में जो है, तो ये बातें हैं, तो ये संकीर्णता, क्योंकि हम सद्भाव और भाईचारे का लालकुआ बनाएंगे, परस्पर स्नेह और विश्वास का लालकुआ बनाएंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और मैं जब संसद सदस्य के रूप में एक तरफ पिथौरागढ़ का सांसद था और दूसरी तरफ दिल्ली में उनकी नुमाइंदगी करता था, उत्तराखंड के सवालों को भी उठाता था, जब मैं तब जो है उनकी सेवा कर सका हूँ। लालकुआ तो बड़ी सुविधाजनक क्षेत्र है, यहाँ से जो ये सवाल कर रहे हैं कहाँ ढूंढेंगे हरीश रावत को, किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी तरफ से लिख दीजिएगा, हरीश रावत ने कहा कि मैं अपने आप ढूंढते आप लोगों को आ जाऊँगा, बल्कि मैं मुझको चाय पिलाने के लिए तैयार रहिएगा, मैं अपने आप ढूंढते आ जाऊँगा, किसी को मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, योग करते हैं और फिर यदि भगवान। कल्याणपुर विधानसभा 211 के अंतर्गत नारामऊ मंडल अध्यक्ष शुभम दीक्षित की उपस्थिति में चुनावी बैठक संपन्न हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, महामंत्री सचिन तिवारी, सुशील त्रिवेदी, शिवाकांत तिवारी और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक के हिस्सों में चुनावी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए कार्य योजना बनाई गई, जिसे भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाना ही सर्वोपरि लक्ष्य है। कार्यकर्ताओं का एक ही संकल्प है, हमारा बूथ सबसे मजबूत। छप्पन लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह रावत ने कहा कि छात्र जीवन से ही उनके द्वारा लगातार जनता की सेवा की जा रही है। बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता की हितैषी है और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है, यहां की हर समस्या के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यदि जनता एक मौका देगी तो लालकुआ विधानसभा में चहुमुखी विकास किया जाएगा। लोगों का जो मुद्दा है, पलायन रोकने का मुद्दा है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है इस क्षेत्र में, पूरे देश के अंदर जो 300 रुपये का सिलेंडर था वो आज 1100-1000 रुपये में भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और मार्केट में ये हाल है, जो 1000 का पैक आता था वो 900 ग्राम और 800 ग्राम का पैक बना के वो उस रेट में भी नहीं मिल रहा जो 1 किलो का रेट मिलता था। मतलब दाल के रेट, सब्जी के रेट, मतलब हर चीज़ का रेट बढ़ा है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, मध्यम वर्गीय के लिए जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 12,000-15,000 से ज़्यादा हम लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं है। कोविड पीरियड में ये हाल हो चुका है कि एक तो आदमी वैसे बीमारी से परेशान है, दूसरा अस्पताल के में जो डॉक्टर लोग हैं वो बिल्कुल कसाई की तरह हो गए हैं कि उन्होंने अगर एक आदमी मरीज वहाँ पहुँच गया तो उसने कसाई की तरह उसका लूट लेना है। और उसी तरीके से बेरोजगारों का हाल है, बेरोजगार जो बेचारा 12-15 लाख-20 लाख रुपये लोन लेके, उनके पिताजी बड़े मुश्किल से लोन लेते हैं और लोन मिलता भी नहीं है, मिलने के बाद आज उसको बच्चे को 8,000-10,000 रुपये सिटकुल में दे रहे हैं। ऐसा उत्तराखंड राज्य बनाया इन्होंने और इसको देख के तो युवाओं को रोना आता है, मतलब हर आदमी रोता है कि मतलब ये उत्तराखंड राज्य बना क्यों। उत्तराखंड राज्य जो बना था जिस सपने को देख के काशी सिंह ऐरी और कई लोग, हम लोग सब शामिल थे उसमें, उस आंदोलन को हम लोगों ने लीड करा, पर हुआ कुछ नहीं। हमने तो 72 घंटे का बंद कराने का जब नेतृत्व हुआ तो उस समय मैं छात्र संघ में, हल्द्वानी छात्र संघ में था, उससे पहले हम छात्र महासंघ में रहे, हम लोगों ने कोऑपरेटिव के आंदोलन चलाया, तो मैं जिला सहकारी बैंक का यहाँ अध्यक्ष भी रहा और उसके बाद में नगर पालिका हल्द्वानी का उपाध्यक्ष रहा और 3-3 बार हम लोगों ने चुनाव लड़ लिया। और इस तरीके से हम लोगों ने जितनी भी यहाँ ट्रेड यूनियन होती थी उसमें हम लोगों ने श्रमिक नेता के रूप में भी काम किया और हर श्रमिक संगठन में लगभग हम लोगों को संरक्षक बनाया जाता था, तो हम लोगों ने उस तरीके से भी काम किया कि हम लोगों ने पहचाना इस बात को कि जो डेली वेजेस, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी आदमी को वहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही है, इतनी कम तनख्वाह में आदमी को सर्वाइव करना पड़ रहा है। अगर वो सही से अपने घर का खर्चा चलाए तो वो घर का खर्चा नहीं चला सकते। कटिहार जिले के सहायक थाना के अंतर्गत शरीफगंज आए दिन नशेड़ी का धंधा यहाँ पर फलफूल रहा है। पुलिस को मालूम होते हुए भी उसे अपनी पकड़ से दूर रखे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस की मिली भगत से ये धंधा चल रहा है। खुलेआम ये चैलेंज देकर धंधेबाज अपना धंधा कर रहे हैं। पुलिस को चुनौती ये है कि इस तरह के धंधेबाज पर क्यों नकेल
कैसे कसी जाए, और शराब ही एक नशा है, बाकी नशा करके अगर किसी की हत्या हो जाती है तो परिवार वाले अपना परिवार खोने के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिलता, और पुलिस उस जगह आकर सिर्फ पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को दे देती है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना शरीफगंज में एक परिवार के साथ घटित हुई, जहां पर एक भाई ने अपने छोटे भाई की जो बार में नशे का धंधा करता था, लाल खान उर्फ महबूब आलम को कहने गया कि तुम मेरे भाई का नशा एक दवाई नहीं देगा, तो उस पर ही उलझ गया और उसके साथ मारपीट की, पिटाई की, जिसका नाम मोहम्मद समीम है, और फिर दूसरा भाई बचाने आया तो उसको भी मारा। उसके बाद दोनों ने कटिहार थाने में FIR दर्ज कराई, तो वहां से इलाज के लिए भेज दिया गया। और पीड़ित का कहना है कि ये लाल खान का मनोबल काफी बड़ा है, ये मेरे तीनों भाई को धमकी दिया और बोला कि आगे बढ़ेगा तो जान से मार देंगे। इसलिए परिवार वाले का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और जो भी अपराधी इस धंधे में लिप्त हैं उसे गिरफ्तार करें, नहीं तो कटिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो कई इंसान बेमौत मारे जाते हैं। पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम करके परिवार वालों को सौंप देते हैं, इसलिए हम पीड़ितों को इंसाफ भी चाहिए। क्या हुआ था आपके साथ में? ये जो मेरा भाई है थोड़ा छोटा है, ये इसको नशीली दवा जो है खिलाता है, बुला बुला के दुकान पे जबरदस्ती ये जाता नहीं है, सटा दिया था। तीसरे के मोबाइल से फोन करके बुलाता है, तो इसके दौरान हम बाहर में काम करते हैं, बाहर से जो हमारा भाई है, जब भाई को हम उसको लाल खान को समझाने गए कि मेरा भाई को नशीली दवा कोई सा भी दवा मांगेगा नहीं देगा और ना ही इसको दुकान पे बैठने देगा, अगर आए तो इसको भगा दिया करो। इसी दौरान जो है मेरे साथ वो मारपीट किया, बोला हम बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिसके कारण मारपीट हमको मारा, पीछे से धोखे से मारा, यहाँ लगा है मेरा शोल्डर का हड्डी साइड टूट गया है, ये एक्सरे रिपोर्ट है मेरा। हमने SP साहब को लेटर लिखा है और व्हाट्सअप भी कर दिया है, हम इसमें यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ठीक है। ये पिछला प्रिस्ट है, ये फर्स्ट प्रिस्ट है और इस पर काफ़ी हार्डली एक्शन लिया जाए, नहीं तो अन्यथा प्रशासन जो है सिर्फ पोस्टमार्टम करने के लिए लोग को आता है और इमरजेंसी टाइम में नहीं आता है। जिला अधिकारी के निर्देश पर SDM सदर BDO ADO पंचायत झंझरी के द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में साफ सफाई का काम चल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य की अगुवाई में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से भिनगा कस्बे में शनिवार को पुलिस एवं पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों के द्वारा रूट मार्च निकाला गया। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया और साथ ही साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, कोविड गाइडलाइन का पालन, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों पर नजर रखकर किसी भी गलत गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। रूट मार्च के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों को कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करने और आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। रूट मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी और ऐसे लोगों पर पुलिस के द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी तरह की अफवाह ना फैलने दें, अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस नजर रख रही है, साथ ही अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान प्रदेश में लागू आचार संहिता का पालन करने की अपील की। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परीक्षित खटाना, उप जिलाधिकारी रोहित, उप जिलाधिकारी आशुतोष, उप जिलाधिकारी मोहित के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद थे। लालकुआ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा सत्ता में आने पर पुलिसकर्मियों की उत्तराखंड और उत्तराखंडियत बचाने के लिए प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भूमिका अहम रहेगी। पलायन रोकना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना, यह हमारी सरकार की
प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि 48 साल के राजनीतिक करियर में अभी तक किराए के मकान में ही रहा, लेकिन लालकुआ वासियों ने चाहा तो यहीं पर अपना आवास बनाऊंगा। तो अधिकांश लोग उस समय मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग थे, आलमुआ पिथौरागढ़ उधर से आए हुए या गढ़वाल से आए मेरे पास आए। हमारी अरे पीछे शांत रहो भैया, पुरानी पहचान जहाँ से हमने शांत की व्यवस्था बनाई है, उत्तराखंड के भूमि संघर्ष का, भूमिहीनों के संघर्ष का शुरुआत की थी, का मुझे आशीर्वाद मांगने और उसका प्रतिनिधित्व कर सकूं इसका सौभाग्य दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब पुसड़ी का एरिया है रामनगर में, तो वहाँ हमारे गांव के अलग अलग बगल के शिल्पकार नेता रामलाल जी के नेतृत्व, जिस बिंदु खत्ता के लोगों के साथ खड़ा हुआ 1980 में, 2022 में फिर से उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्या का समाधान किया। मैंने किराए पर काट लिया, मैं अरे आज रहने दीजिए ना, या तो आना चाहिए, राजनीतिक जीवन किराए पर काट दिया, अब चाहा है तो भाजपा के दोस्तों की कुछ सलाह तो मैं मानूंगा ही मानूंगा, उनकी ये सलाह मानूंगा। सर अमित शाह ने जिस तरीके से कहना चाहता हूं कि वो उनकी सरकार कितनी निकम्मी है कि एक राज्य फसल बीमा योजना प्रारंभ करेंगे केंद्र सरकार की अनुमति लेकर के। दूसरा, हम कुछ जंगली जानवर जैसे वन रोज और सुअर हैं, उनको मारने की हमने पहले भी इजाजत दी थी। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने आगामी 1 फरवरी 2022 से कलेक्ट्रेट परिसर में होने वाले नामांकन से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने बैरिकेडिंग से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। ज्ञात हो कि 1 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद श्रावस्ती में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 289 भिनगा के लिए नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट श्रावस्ती स्थित न्यायालय अपर जिलाधिकारी कक्ष संख्या 38 में और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 290 अवस्थी के लिए नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट परिसर श्रावस्ती स्थित न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कक्ष संख्या 44 में 1 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य कार्य दिवस में सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर निर्वाचन आयोग के द्वारा निश्चित समय अवधि में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और उपरोक्त दोनों स्थलों पर नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 9 फरवरी 2022 को, नाम वापसी दिनांक 11 फरवरी 2022 को निर्वाचन आयोग के द्वारा निश्चित समय अवधि में होंगे और निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, प्रभारी अधिकारी कार्मिक ईशान प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी कमलेश चंद्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परीक्षित खटाना, अपर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, उप जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार चौबे और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।